Can you elaborate a little bit for our audience today ki how is Bada Business solving problems? देखो आपके जैसा एक्टिंग नहीं लेकिन ऐसा करता हूँ मैं. सोचो अगर कस्टमर, इमेजिन करो जब जब कस्टमर ने ऐसे किया, कस्टमर ने गुस्सा किया, उसने दांत भींचे, वो रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है. इसको बोलते कैप्चर द इनकन्वीनियंस. कस्टमर की जिंदगी की इनकन्वीनियंस को पकड़ो. क्या बात. ऐसी ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है. जिस दिन इस मॉडल को पकड़ लिया ना, देखिए मेरा मानना है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ वो अफोर्डेबल एक्सेसिबल अवेलेबल मॉडल मैंने अपना बनाया. और मुझे अगर मैं आज तक की ऑडियंस को बताऊँ, मेरे को ये देखना है कि जो मुझे देखना है कि ट्रेडिशनल सेल्स का मॉडल है उसको अगर मैं क्या डिजिटल सेल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ. मुझे रिमोट वर्किंग के मॉडल्स में उनको अडेप्ट कराना है. मुझे उनकी जो रिडंडेंट पुरानी स्ट्रैटेजीज है उसको चेंज करना है. फोटोग्राफर आज से 2.5 साल बाद 3 साल बाद, वीडियोग्राफर, एडिटर्स, इन सब की लाइफ रिडंडेंट होने जा रही है. ये जो जो जॉब रिपीटेबल है वो सब खत्म हो जाएंगे और क्रिटिकल काम रहेंगे. मेरे को रीमॉडल करनी है उनकी सारी की सारी वो स्ट्रैटेजीज जिससे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ सकें. इडियट प्रूफ बना दिया चीज़ों को, इतनी आसान करते जा रहे हैं. तो जो पुरानी सोच वाला व्यक्ति है वो बहुत पीछे रह गया है, उसकी कौन मदद करेगा. तो मैं देखिए आप जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए बिजनेस कैनवस कैसे बनाते हैं, रिपीटेबल प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, स्कोर बोर्ड्स, ऑर्गेनिक मोनोपोली, एडवांटेज ऑफ एडवांटेजेस, कुछ भी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स या कोई भी कॉम्पिटेटिव एज को आइडेंटिफाई करना है, ये सब जार्गन्स लगते हैं. करेक्ट. प्रॉब्लम से प्रॉफिट आता, प्रॉफिट से प्रॉफिट नहीं आता. सिंपल. प्रॉब्लम से प्रॉफिट, कैप्चर द इनकन्वीनियंस, प्रॉब्लम से प्रॉफिट आता है.